आपको वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, सुश्री मनिका बत्रा। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा। कबड्डी प्रशिक्षक, आपके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त किए, जिनमें प्रमुख हैं ओम प्रकाश नरवाल, शमशेर सिंह, परवीन कुमार, गुरप्रीत, जसबीर सिंह। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा। श्री कुलदीप कुमार हांडू। वुशु प्रशिक्षक, आपने राष्ट्र को अनेक उत्कृष्ट वुशु खिलाड़ी प्रदान किए, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त किए। इनमें प्रमुख हैं प्रवीण, पूनम, विक्रांत बालियान, नरेंद्र ग्रेवाल। वर्ष 2020 के लिए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, श्री कुलदीप कुमार हांडू। श्री रोमेश पठानिया। हॉकी प्रशिक्षक, आपने सरदार सिंह, पीआर श्रीजेश, देवेश चौहान, वीआर रघुनाथ, तुषार जैसे नामचीन हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय ध्वज को शान से फहराया है। वर्ष 2020 के लिए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है, श्री रोमेश पठानिया। श्री शिव सिंह। मुक्केबाजी प्रशिक्षक, आपके द्वारा प्रशिक्षित अनेक मुक्केबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त कर राष्ट्र को महिमा मंडित किया है, जिसमें एमसी मैरी कॉम, साक्षी, मनदीप कौर, सोनिया चहल, विजेंद्र सिंह, जय भगवान अग्रणी रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है, श्री शिव सिंह। श्री धर्मेंद्र तिवारी। तीरंदाजी प्रशिक्षक, आपने अनेक उत्कृष्ट तीरंदाजों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इनमें प्रमुख हैं दीपिका कुमारी, अतनु दास, जयंत तालुकदार, अंकिता भगत। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है, श्री धर्मेंद्र तिवारी। श्री गौरव खन्ना। पैरा बैडमिंटन प्रशिक्षक, आपने कई पैरा शटलरों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त कर भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया है, जिनमें प्रमुख हैं मनोज सरकार, प्रमोद भगत, सुहास एलवाई, राकेश पांडे। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, श्री गौरव खन्ना। श्री जसपाल राणा। निशानेबाजी प्रशिक्षक, आपने अनेक उत्कृष्ट निशानेबाजों को प्रशिक्षित कर राष्ट्र को समर्पित किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त कर विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम अंकित किया है, जिनमें मनु भाकर, सौरभ चौधरी,
अनीश अर्जुन चीमा अग्रणी हैं। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जसपाल राणा, श्री विजय बी मुनीश्वर, पैरा पावरलिफ्टिंग प्रशिक्षक, आपने कई उत्कृष्ट पैरा खिलाड़ियों को पावरलिफ्टिंग में प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर मिसाल कायम की है, जिनमें प्रमुख हैं राजेंद्र सिंह रहेलू, फरमान बाशा, सचिन चौधरी। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री विजय बी मुनीश्वर, श्री योगेश मालवीय, मलखम प्रशिक्षक, आपने अनेक प्रतिभाशाली मलखम खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व जनमानस को इस परंपरागत भारतीय खेल से रूबरू कराया है, जिनमें प्रमुख हैं पंकज सोनी, चंद्रशेखर चौहान, राजवीर सिंह, श्वेता चौहान। आपको वर्ष 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री योगेश मालवीय, अर्जुन पुरस्कार 2020, सुश्री दीप्ति शर्मा। इस बहुमुखी प्रतिभा की धनी खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में विश्व स्तरीय स्पर्धाओं में अनुपम प्रदर्शन किया है। श्रीलंका के खिलाफ मात्र 20 रन देकर 6 विकेट लिए, आयरलैंड के विरुद्ध 188 रन बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया। आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दीप्ति शर्मा, सुश्री दिव्या काकरान, कुश्ती के क्षेत्र में आपने वर्ष 2018 एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक, वर्ष 2020 में सीनियर एशियाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दिव्या काकरान, श्री मनीष नरवाल, आपने वर्ष 2019 में सिडनी में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में विभिन्न स्पर्धाओं में 3 कांस्य पदक जीते। वर्ष 2018 में पैरा एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम कर देश का गौरव बढ़ाया। आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री मनीष नरवाल, सुश्री मनु भाकर, आपको मात्र 16 वर्ष की आयु में वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल व यूथ ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्ष 2019 ISSF विश्व कप और एशियन चैंपियनशिप में आपने स्वर्ण पदक हासिल किया। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री मनु भाकर, श्री संदीप, आपने वर्ष 2018 एशियाई पैरा खेलों व वर्ष 2019 विश्व पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में जैवलिन का स्वर्ण पदक अपने नाम किया तथा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री संदीप, श्री सौरभ चौधरी, आपने यूथ ओलंपिक व एशियाई खेल 2018 में एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता।
आईएसएसएफ विश्व कप 2019 में दो स्वर्ण अपने नाम कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2020 के लिए इस युवा निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सौरभ चौधरी, सूबेदार सावंत अजय अनंत, आपने वर्ष 2016 में मिश्र में आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिता के टेंट पेगिंग, स्वॉर्ड पेगिंग, लांस टेंट पेगिंग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वर्ष 2018 विश्व कप आबू धाबी में टेंट पेगिंग का रजत पदक प्राप्त किया। आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार सावंत अजय अनंत, श्री शिवा केशवन, आप शीतकालीन खेलों के ल्यूज स्पर्धा के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। आपने वर्ष 2017 एशियन ल्यूज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 1998 से 2018 तक लगातार शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री शिवा केशवन, श्री विशेष भृगुवंशी, आप वर्ष 2010 से भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं। आपकी कप्तानी में भारतीय टीम को दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2017 में स्वर्ण पदक, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय हासिल है। अतः आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री विशेष भृगुवंशी, नायब सूबेदार दत्तू बब्बन भोकनल, आप प्रथम भारतीय स्कलर हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक खेल 2016 की रोइंग एकल स्पर्धा में 13वां स्थान प्राप्त किया। आपने एशियन गेम्स 2018 और एशियन चैंपियनशिप 2015 में भाग लिया। रोइंग में आपकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार दत्तू बब्बन भोकनल, श्री राहुल अवारे, आप कुश्ती खेल विधा के सर्वाधिक उत्कृष्ट पहलवानों में से एक हैं। आपकी उपलब्धियां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक, सीनियर एशियन चैंपियनशिप 2019 और 2020 में कांस्य पदक। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री राहुल अवारे, सूबेदार मनीष कौशिक, आपकी उपलब्धियां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में रजत पदक, AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक, प्रथम इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2018 में स्वर्ण पदक। मुक्केबाजी खेल विधा में आपकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार मनीष कौशिक, श्री सुयश नारायण जाधव, पैरा तैराकी खेल विधा के आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। आपकी उपलब्धियां 2018 एशियन पैरा गेम्स में 50 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक, 50 मीटर फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में कांस्य पदक। वर्ष 2020 के लिए आपको
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, श्री सुयश नारायण जाधव। श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बैडमिंटन में आपकी उपलब्धियां, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक टीम स्पर्धा, रजत पदक व्यक्तिगत स्पर्धा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक, थाईलैंड ओपन सुपर 500 के विजेता। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। सुश्री काले सारिका सुधाकर, आप खो खो खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, आपकी उपलब्धियां, 2016 साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, अंतर्राष्ट्रीय खो खो टूर्नामेंट इंग्लैंड 2018 में स्वर्ण पदक, 52वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, सुश्री काले सारिका सुधाकर। सुश्री मधुरिका सुहास पाटकर, टेबल टेनिस में आपकी उपलब्धियां, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक टीम स्पर्धा, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक टीम स्पर्धा और महिला एकल में रजत पदक। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, सुश्री मधुरिका सुहास पाटकर। सुश्री लवलीना बोरगोहिन, आपकी उपलब्धियां, AIBA एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक, AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 और 2019 में कांस्य पदक। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, सुश्री लवलीना बोरगोहिन। श्री संदेश झिंगन, आप भारतीय फुटबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 और 2022 एवं AFC एशियन कप 2023 में क्वालिफाइंग राउंड में भाग लेने वाले आप भारतीय टीम के सदस्य हैं, अतः आपको वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, श्री संदेश झिंगन। श्री दीपक, कबड्डी में आपकी उपलब्धियां, एशियन खेल 2018 में कांस्य पदक, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, 2016 साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण और विश्व कप 2016 में स्वर्ण पदक। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, श्री दीपक। श्री अतनु दास, आपकी उपलब्धियां, 20वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2017 टीम स्पर्धा में रजत पदक, तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2019 टीम स्पर्धा में रजत पदक तथा टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल किया। तीरंदाजी के खेल में आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, श्री अतनु दास। सुश्री दुती चंद, आप एथलेटिक्स खेल विदा की
सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। आपकी उपलब्धियां एशियाई खेल 2018 में रजत पदक 100 मीटर, रजत पदक 200 मीटर, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक 200 मीटर, वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दूती चंद। श्री आकाशदीप सिंह। हॉकी में आपकी उपलब्धियां FIH पुरुष विश्व कप 2014 और 2018 हॉकी टीम के आप सदस्य थे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में स्वर्ण पदक, 2018 में आपने भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक, 2018 में चौथा स्थान रहा। आपने 2016 ओलंपिक खेल में भाग लिया। एशियन खेल 2014 में स्वर्ण और 2018 में कांस्य पदक जीता। वर्ष 2020 के लिए आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री आकाशदीप सिंह। ध्यानचंद पुरस्कार 2020। श्री अजीत सिंह। आप एक उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। आपने म्यूनिक एवं मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने विश्व कप और एशियाई खेलों में भाग लिया और पदक जीते। वर्ष 1976 मॉन्ट्रियल में अर्जेंटीना के विरुद्ध केवल 15 सेकंड में अब तक का सबसे कम समय में गोल दागकर ओलंपिक इतिहास में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद युवा हॉकी खिलाड़ियों को आप प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। हॉकी के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2020 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अजीत सिंह। श्री कुलदीप सिंह भुल्लर। आप देश के उत्कृष्ट एथलीट रहे हैं। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त किए, जैसे इंडो रशियन टेस्ट, एशियाई खेल, ट्रैक एंड फील्ड एशियाई प्रतियोगिता। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के उपरांत आप युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री कुलदीप सिंह भुल्लर। सुश्री जिंसी फिलिप। आप एशियाई चैंपियनशिप 2000 और एशियाई खेल 2002 में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलेटिक्स टीम की सदस्य थी। आपने विश्व चैंपियनशिप 1999 और ओलंपिक्स 2000 में भाग लिया। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद आपने अनेक युवा एथलीट्स को कोचिंग दी है। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री जिंसी फिलिप। श्री जे रंजीत कुमार। आप देश के उत्कृष्ट पैरा एथलीट रहे हैं। आपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जैसे फेस्पिक गेम्स, एशियन पैरा गेम्स, IWAS वर्ल्ड गेम्स में भाग लिया और डिस्कस थ्रो और जैवलिन में पदक जीते हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जे रंजीत कुमार। सुश्री तृप्ति मुरगुंडे। आप देश की सर्वाधिक उत्कृष्ट बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक रही हैं। आपने राष्ट्रमंडल खेल 2006 में कांस्य पदक जीता। सैफ गेम्स 2002, 2006 और 2010 में
5 स्वर्ण पदक जीते। आप थॉमस ओबेर कप 2018 में भारतीय टीम की कोच भी रहीं। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और बैडमिंटन को बढ़ावा देने के प्रति आपके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2020 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री तृप्ति मुरगुंडे। श्री प्रदीप श्री कृष्ण गंधे। आप देश के सर्वाधिक उत्कृष्ट बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। आपने 1982 एशियाई खेलों में युगल और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप और नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद आपने अनेक युवा खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान की है। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रदीप श्री कृष्ण गंधे। श्री सत्य प्रकाश तिवारी। आप देश के सर्वाधिक उत्कृष्ट पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। आपने फेस्पिक गेम्स, विश्व कप बैडमिंटन, IWAS विश्व खेल और एशियाई बैडमिंटन कप में पदक जीते हैं। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद आप युवा खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्य प्रकाश तिवारी। श्री मंजीत सिंह। आप देश में रोइंग खेल विधा के सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। आपने 2 बार ओलंपिक में भाग लिया और 16 वर्ष की आयु में अपना करियर शुरू किया। आपने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप, एशियाई खेल, ओलंपिक खेलों और दक्षिण एशियाई खेलों में पदक जीते हैं। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद आप युवा खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री मंजीत सिंह। सुश्री एन उषा। आपने एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। आपने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और एशियाई इंडोर गेम्स में भी अनेक पदक जीते। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद आप कोचिंग प्रदान कर रही हैं। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और महिला मुक्केबाजी को बढ़ावा देने के प्रति आपके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2020 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री एन उषा। श्री मनप्रीत सिंह। आपने विश्व कप कबड्डी, एशियाई खेलों, मलेशिया ओपन कबड्डी चैंपियनशिप के साथ साथ 10वें दक्षिण एशियन खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बाद आप युवा कबड्डी खिलाड़ियों को भी कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री मनप्रीत सिंह। श्री नेत्रपाल हुड्डा। आप अपने समय के उत्कृष्ट पहलवानों में से एक रहे हैं। आपने एशियन गेम्स बैंकॉक 1970 में कांस्य पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड 1974 में रजत पदक प्राप्त किया। 1970 में आप रुस्तम ए हिंद और 1973 में भारत केसरी रहे। वर्ष 2020 के लिए
आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री नेत्रपाल हुड्डा। श्री नंदन पी बाल, आप अपने समय के सर्वाधिक उत्कृष्ट टेनिस खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। इंडियन डेविस कप टीम का सदस्य रहते हुए आपने 1979 में मेक्सिको में विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ साथ 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में रजत पदक जीते। खेलों से संन्यास लेने के बाद आपने युवा टेनिस खिलाड़ियों को कोचिंग भी प्रदान की। आप टेनिस प्रशासक भी रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री नंदन पी बाल। स्वर्गीय श्री सचिन नाग, आप उत्कृष्ट तैराकों में से एक थे और उच्च कोटि के एक तैराकी प्रशिक्षक भी। वर्ष 1952 में भारतीय वाटर पोलो टीम के सदस्य थे और लंदन ओलंपिक्स 1948 में 4 सोलो गोल करने का आपको सम्मान प्राप्त है। वर्ष 1951 में पहले एशियाड के दौरान आयोजित 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले आप प्रथम भारतीय थे। स्वर्गीय श्री सचिन नाग को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और तैराकी को बढ़ावा देने के प्रति उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उनके बेटे श्री अशोक नाग। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, कर्नल सरफराज सिंह। पैराशूट रेजिमेंट के कर्नल सरफराज एक कुशल पर्वतारोही हैं। आपने कई अभियान का सफल नेतृत्व किया है जिसमें शामिल हैं माउंट एल्ब्रस यूरोप, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका और माउंट एवरेस्ट एशिया। अतः आपको भूमि साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। कर्नल सरफराज सिंह। श्री ताका तामुत, आपने AN-32 एयरक्राफ्ट के दुर्घटना स्थल का पता लगाने और बचाव अभियान के दौरान अद्भुत समर्पण का प्रदर्शन किया। बिना शेरपा की मदद से वर्ष 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वर्ष 2017 में माउंट मीरा पीक, माउंट लोहत्से पर्वतारोहण अभियान दल का सफल नेतृत्व किया। अतः आपको भूमि साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। श्री ताका तामुत। स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा, आपका जीवन पर्वतारोहण को समर्पित रहा। वर्ष 1978 से 2020 तक पर्वतारोहण के विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में आपने हिस्सा लिया। आपके सम्मान में सासर कांगड़ी में एक कोल का नाम बिस्सा कोल रखा गया। वर्ष 2020 में एक साहस शिविर में युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए आप गंभीर रूप से घायल हुए। स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा की जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए और साहस की अतुलनीय भावना को दृष्टिगत रखते हुए मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुषमा बिस्सा। सुश्री अनीता देवी,
आपने माउंट एवरेस्ट पर तीन बार वर्ष 2013, 2017 और 2019 में चढ़ाई की। आपने विश्व की अन्य सर्वोच्च चोटियां माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, कार्स्टेंस पिरामिड इंडोनेशिया, माउंट एल्ब्रस यूरोप और माउंट विंसन मेसिव एंटार्क्टिका पर भी चढ़ाई की। अतः आपको भूमि साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री अनीता देवी। श्री केवल हिरेन कका, आप विश्व की दो सबसे ऊंची चोटियों अर्थात माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से को सबसे कम अवधि केवल 6 दिनों में चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। पर्वतारोहण में आपका उत्कृष्ट रिकॉर्ड रहा है, अतः आपके अतुलनीय उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए भूमि साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। श्री केवल हिरेन कका। श्री सत्येंद्र सिंह, आप व्हीलचेयर बाउंड अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं। आपने इंग्लिश चैनल को पार किया तथा प्रांग्स रीफ एलटी हाउस से एलिफेंटा आइसलैंड की 33 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 43 मिनट में पार किया। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए जल साहस के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्येंद्र सिंह। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली प्रतिष्ठित ट्रॉफी वर्ष 2019-20 के विजेता हैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार, कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। मिशन ओलंपिक प्रोग्राम के तहत वर्ष 2001 में स्थापित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट अपनी तरह का एक अद्भुत संस्थान है। यहां प्रशिक्षित कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में पदक प्राप्त कर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, जिनमें प्रमुख हैं तरुणदीप राय तीरंदाजी और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, आरोक्य राजीव, जिनसन जॉनसन। संस्थान की उदीयमान युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2020 के लिए खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं कर्नल राकेश यादव, कमांडेंट एएसआई पुणे। लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लक्ष्य इंस्टीट्यूट का खेलों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस संस्थान ने गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी पुणे, हवा सिंह मुक्केबाजी अकादमी भिवानी की स्थापना में आरंभिक निवेश और निरंतर सहायता प्रदान कर अनुपम योगदान दिया है। इस संस्थान के कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें प्रमुख हैं राही सरनोबत, अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गट्टा, वी दीजू। लक्ष्य संस्थान को उदीयमान युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री विशाल चौड़दिया, प्रेसिडेंट लक्ष्य इंस्टीट्यूट। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, यह संस्थान सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के 9 रत्नों में से एक है।
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि के माध्यम से आयोग खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। देश के सुदूर इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक खेल परिसरों का निर्माण कर आयोग द्वारा खेलों के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाई गई। ONGC को CSR के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करने आ रहे हैं डॉक्टर शिवेंद्र दत्त शुक्ला, हेड कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स ONGC। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, यह संस्था भारतीय वायुसेना के तत्वाधान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती करने और अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। बोर्ड के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को खिलाड़ियों को रोजगार और कल्याण के क्षेत्र में योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं एयर मार्शल MS G मेनन, एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM, यह संस्थान खेल के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला भारत का पहला व्यावसायिक खेल प्रबंधन संस्थान है, जिसने 1500 से अधिक सक्षम व्यावसायिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जो देश में खेल उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संस्थान मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्रदान करता है। IISM को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री नीलेश कुलकर्णी, फाउंडर डायरेक्टर IISM। द्रोणाचार्य पुरस्कार, श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, हॉकी प्रशिक्षक। आपने कई उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इस श्रेणी में मोहम्मद राहिल, विवेक सागर, दिलप्रीत सिंह, गुरु साहिबजीत सिंह अग्रणी रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन। अब मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से निवेदन करता हूं कि अपने आशीष वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में उपस्थित युवा मामले और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री किरण रिजिजू, सभी पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सभी पुरस्कार विजेताओं को मेरी हार्दिक बधाई। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श हैं। साधारण परिवेश तथा सुविधाओं के बीच उन्होंने अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। इसलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस का आयोजन करने की परंपरा सराहनीय है।
कहा जाता है कि 1930 के दशक के यूरोप में महात्मा गांधी के बाद मेजर ध्यानचंद सबसे अधिक चर्चित भारतीय थे। मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के पुरस्कार विजेताओं और प्रशिक्षकों के विषय में एक बात समान रूप से कही जा सकती है, आप सबके प्रयासों के बल पर विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ता रहा है। आप सबने अपने प्रदर्शन से सभी भारतवासियों को सामूहिक सफलता के एहसास के अविस्मरणीय क्षण प्रदान किए हैं। जब आप जैसे खिलाड़ी विश्व के किसी भी कोने में आयोजित खेल प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के बाद स्टेडियम में तिरंगा लेकर उल्लास के साथ दौड़ते हैं, तब वह दृश्य देखकर सभी भारतवासी गर्व और खुशी से भर जाते हैं। जब आपकी सफलता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रगान की धुन बजती है, तब सभी देशवासी एकजुट होकर आपकी सफलता का उत्सव मनाते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले खिलाड़ी के विजय का जश्न केरल और लक्षद्वीप तक मनाया जाता है। जब तमिलनाडु का खिलाड़ी पदक जीतता है तो लद्दाख तक सभी देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खेल और खिलाड़ी हमारे देशवासियों में एकजुटता की भावना को मजबूत बनाते हैं। आप सभी खिलाड़ियों के पुरस्कार पाने के विषय में और आपकी सफलता के बारे में बहुत से लोग जान जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस परिश्रम, संघर्ष तथा आशा निराशा के अच्छे बुरे अनुभवों को समझ पाते हैं जिनसे गुजरते हुए आप सबने आपके प्रशिक्षकों, परिवारजनों और शुभचिंतकों ने अपनी मंजिल पाई है। आप सबने ये सिद्ध किया है कि इच्छा, लगन और मेहनत के बल पर सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यही खेल कूद की सबसे बड़ी विशेषता है, यही अच्छे खिलाड़ी का आदर्श है। आज का यह पुरस्कार समारोह कड़ी मेहनत और समर्पण से प्राप्त की गई आप सबकी सफलता का उत्सव है। मुझे आप सबको सम्मानित करके बहुत प्रसन्नता हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों, सुदूर कस्बों और गांवों से अपनी खेल यात्रा शुरू करने वाले आज के ये पुरस्कार विजेता यह साबित करते हैं कि हमारे देश में खेलकूद की असीम प्रतिभा और संभावनाएं मौजूद हैं। इस बार पुरस्कार विजेताओं का चयन पारंपरिक सोच से अलग हटकर किया गया है और कई बदलाव भी किए गए हैं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में महिला खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 5 खिलाड़ियों में 3 बेटियां मनिका बत्रा, विनेश और रानी तथा एक पैरा एथलीट शामिल हैं। पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल रत्न मरियप्पन जैसे खिलाड़ियों ने विगत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारी साख बढ़ाई है। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि हमारे देश में खेलकूद के क्षेत्र में विविधता बढ़ी है तथा कई खेलों के राष्ट्रीय विजेता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज के पुरस्कार विजेता 20 से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे पारंपरिक खेलों कबड्डी, खो खो और मल्लखंब की बढ़ती लोकप्रियता जन सामान्य को खेलों से जोड़ने में सहायक होगी। आज क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों के लीग टूर्नामेंट लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। यह एक सुखद बदलाव है। समर्पित और प्रतिबद्ध प्रशिक्षकों का खिलाड़ियों की सफलता में निर्णायक योगदान होता है। प्रशिक्षक ही खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को निखार कर विजेता खिलाड़ी का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिए गए द्रोणाचार्य पुरस्कार के सभी विजेताओं को मैं विशेष बधाई देता हूँ। ऐसे उत्कृष्ट और प्रेरक प्रशिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार खेल के प्रति आजीवन समर्पण व योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेता भी विशेष बधाई के हकदार हैं।
हमें यह भी ध्यान रखना है कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हर वर्ग तथा क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से ही खेल की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। खेलों में निवेश राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सामूहिक प्रयास है, जिससे समाज मजबूत होता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि अनेक कॉरपोरेट्स, एनजीओ तथा शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस दिशा में उनकी भागीदारी और बढ़ेगी। आज के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार विजेता संस्थानों से प्रेरणा लेकर अन्य संस्थान भी खेलकूद को प्रोत्साहन देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स और फिटनेस अब युवाओं की सोच और दिनचर्या का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक भी खेलकूद के प्रति अपना नजरिया बदल रहे हैं। अब वे खेलकूद को व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में सहायक मानने लगे हैं। जो खेलेगा वो खिलेगा, इस विचार का प्रभाव अब व्यापक हो रहा है। यह भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में अच्छा बदलाव है। हमारे युवा ही हमारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। फिटनेस और स्पोर्ट्स में उनकी रुचि और सक्रियता हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाएगी। खेलकूद के मैदान में जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतियोगिता, टीम वर्क, जीत हार, संघर्ष व संकल्प, ये सभी जीवन के ही आयाम हैं। खेलकूद से न केवल शरीर और चरित्र का निर्माण होता है, बल्कि जीवन में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। खेलकूद के जरिए हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवा राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ते हैं। युवाओं को खेलकूद से जोड़ना उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का ही एक विशेष रूप है। कोविड-19 के कारण खेल जगत पर भी बहुत अधिक असर पड़ा है। पहली बार ओलंपिक खेल स्थगित किए गए हैं। हमारे देश में भी खेलकूद की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। अभ्यास तथा प्रतियोगिताओं के रुकने से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का हौसला कम हो सकता है। उनकी मानसिकता और शारीरिक तैयारी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यथासंभव ऑनलाइन कोचिंग और वेबिनार के जरिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को जोड़ा गया है। खेल मंत्रालय तथा अन्य संस्थानों ने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के साथ संपर्क और सक्रियता बनाए रखी है। आज का यह आयोजन वैश्विक महामारी के बावजूद खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास है। आप सबने वर्षों की मेहनत, लगन और साहस के बल पर अपनी खास पहचान बनाई है। कोविड का यह दौर आप सबके तथा अन्य खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साहस और धीरज के इम्तिहान की घड़ी है। मुझे विश्वास है कि खेल जगत के लोग और भी अधिक मानसिक शक्ति के साथ इस परीक्षा से बाहर आएंगे और उपलब्धियों के नए इतिहास रचेंगे। मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। 2028 के ओलंपिक खेलों में टॉप 10 पोडियम फिनिश कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसे लक्ष्यों व प्रयासों के लिए मैं श्री किरण रिजिजू के उत्साही नेतृत्व में कार्यरत पूरी टीम की सराहना करता हूं। आप सबके ये प्रयास केवल खेलकूद के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भारत की भावी पीढ़ी के विकास में तथा देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं एक बार फिर आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व संस्थानों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजकर आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित प्रयासों से विश्व के खेल मानचित्र पर भारत को प्रभावशाली स्थान प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी को
पहले वर्चुअल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हमारे पुरस्कार विजेताओं को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री को उनकी गरिमामय उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आज सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उपस्थिति और भारतीय खेल में उनके योगदान के लिए धन्यवाद और बधाई देती हूँ। हमें वास्तव में आप सभी पर गर्व है। मैं इस गौरवशाली अवसर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो आज का समारोह समाप्त किया जाए।